लड़कियां बोझ होती हैं या उनको ज्यादा आजादी देना ठीक नहीं, इस सोच के ऊपर जोरदार तमाचा मारा है गांव कैलरम की रवीना ने। जी हां, लगभग 20 से भी ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर चुकी गांव कैलरम की रवीना का चयन अब दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर हुआ है। आपको बता दें कि रवीना ने घर बैठकर ही तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की है और इस वक्त वो कैथल के अंदर रेलवे विभाग में कार्यरत हैं। आज गांव में जीपीएस विद्यालय के परिवार द्वारा रवीना को सम्मानित किया गया। इस मौके पर उनके पिता और गांव के पूर्व सरपंच बीरबल सिंह भी मौजूद रहे। जीपीएस परिवार द्वारा गांव और गोहान की दूसरी लड़कियों को भी आगे बढ़ाने के लिए मुख्य स्टेज से कई बड़ी बातें कही गई। इसके अलावा मीडिया से बातचीत में रवीना ने अपने संघर्ष को भी बताया। मैं अब तक 20 एग्जाम क्लियर कर चुकी हूँ। अभी मैं इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ, लेवल 1 की पोस्ट है और जो मेरी ड्यूटी है वो कैथल में है। कल ही मेरा रिजल्ट आया है, मैं हेड कांस्टेबल के पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ है दिल्ली पुलिस में। यहाँ पे मैं नर्सरी से लेके और 12th तक पढ़ी हूँ। तो संघर्ष में क्या क्या पड़ाव आया? संघर्ष में तो बहुत ज़्यादा है, मेरी जर्नी में बहुत सारे संघर्ष रहे हैं क्योंकि मैं गांव से हूँ और एज ए फीमेल मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन मेरी फैमिली की सपोर्ट से, मेरे स्कूल की सपोर्ट से सब कुछ पॉसिबल हो सका और मैंने घर बैठ के तैयारी की तो बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मेरा बेस क्लियर था तो सब कुछ सही तरीके से हो गया। आगे का क्या टारगेट रखना है? आगे का टारगेट यही है कि रुकना तो कभी होता ही नहीं है, लाइफ में चलते ही रहना है। जो अभी आगे एग्जाम होंगे सभी की तैयारी करूंगी और जो भी कुछ अचीव होगा उसको एक्सेप्ट करूंगी। गांव गोहान की आप और भी लड़कियां देख रही हैं, उनको मोटिवेशन के नाते क्या कहेंगे? मोटिवेशन के लिए यही कहूंगी कि बहुत सारी लड़कियों को बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, तो वो मेरे को एज ए मोटिवेशन ले, मेरा एक एग्जाम्पल ले, क्योंकि मैं भी कहीं नहीं गई हूँ क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। मेरे को मिली लेकिन मैं चाहती थी मैं घर बैठ के करूं, ऐसा नहीं है कि मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन मैंने घर बैठ के किया ताकि बाकी लड़कियों के लिए भी ये संदेश जाए कि वो भी घर बैठकर कर सकती हैं। अगर किसी के पास वो सारे अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो सारे संसाधन नहीं है, तो वो डीमोटिवेट ना हो और अपने घर बैठ के भी तैयारी करें और अपना जो भी गोल है उसको अचीव करें। परिवार में कई बार फ्रीडम नहीं दी जाती, आपको क्या लगता है कि आपका परिवार किस तरीके का? नहीं, मेरा परिवार बहुत सपोर्टिव है, जहाँ भी चाहा मैंने वहीं पे लेके गए, ऐसा नहीं है कि कोई रोक टोक लगी हो। अगर मेरा ये घर पे बैठ के पढ़ने का डिसीजन था तो ये मेरा था, मेरे परिवार ने किसी ने मना नहीं किया कि घर बैठ के कर रही है या फिर बाहर नहीं जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी ने सपोर्ट किया। उनको उन्होंने ये बोल दिया था कि अगर बाहर पढ़ना चाहते हो तो बाहर जाओ और अगर घर पे पढ़ना तो घर पे पढ़ो, तो मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट था। परिवार कई बार लड़कियों को कम मौके देता है, इतनी आज़ादी आपने दी और उस आज़ादी का बच्ची ने एक तरीके से पूरा फायदा उठाया, कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया तरीका से देखते हैं, हमने कोई भी इसके बारे में कोई शक संज्ञा नहीं करी, बिल्कुल आज़ादी से पढ़ी है, कोई दबाव नहीं दिया और इस लड़की ने तो कई पेपर पास करे, जहाँ भी दिल्ली गए और गए तो गांधीनगर गए, मतलब कि इसने अपनी मेहनत है, अपनी लगन तक काम करे। और माँ बाप भी देख रहे हैं, गुड़िया को देख के वो भी सीख लेंगे, क्या कहेंगे उनको आप? हम तो यही कहेंगे किसी भी बच्चा को पर दबाव न डालें, उनको आज़ादी से रहने दें, अच्छी सोच रखनी चाहिए बच्चा के प्रति और अच्छे संस्कार देने चाहिए। सबसे पहले तो आपके दर्शकों का मेरा धन्यवाद। 12 बजे तक का गुड़िया, ये भी ना हो कि पिछली बार हमारी तैयारी नहीं तो गुड़िया, ये जो रवीना लड़की है नर्सरी से प्लस टू तक तो कोशिश करना हमारे जीपीएस स्कूल में पढ़ी है, ये 6-7 बच्चों, इतना लवली ग्रुप था हमारे पास जिसको सभी टीचर अपनी बेटियों के समान समझते थे और जी जान से इनकी तैयारी करते थे। आज में सभी बच्चे लगभग सरकारी जॉब पर लग चुके हैं, मेरी इच्छा यही थी कि मेरे बच्चे कामयाब हो और मेरी दिल की इच्छा पूरी हो। हाँ, जो हमारे स्कूल में नया लड़कियाँ हैं उनको मैं बार बार कहता हूँ कि दिल से स्टाफ के साथ मिलकर रहो तो आने वाले समय में तुम भी इस लड़की तरह कामयाब होगी, हमारे दिल को एक अच्छी खुशी मिलेगी।